राजस्थान के रण में चारों तरफ से बीजेपी हो कांग्रेस हो पूरी ताकत झोंकी जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब राजस्थान के और वो इस पूरी जंग में किस तरह से भिड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से उस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों ने कापड बॉम्बिंग कर दी है, मतलब सारी तोपें आपने निकाल दी है यहां पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा साहब, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, गहलोत से मुकाबला इतना मुश्किल है क्या? हमारे यहाँ एक कहावत होती थी, पुराने जमाने में लोग बात करते कि जब खरगोश का शिकार करने जाए तो शेर को शिकार करने के साधन संसाधन साथ लेके जाने चाहिए। बेशक खरगोश होंगे लेकिन तैयारी तो इतनी करनी चाहिए कि आप उस युद्ध को पूरी शिद्दत के साथ लड़े और कहीं कोई कोर कसर न रह जाए। अगला सवाल यह है कि 2008 के जयपुर के बॉम्ब धमाके के आरोपी रिहा हुए हैं, ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स गहलोत कर रहे हैं। कन्हैया लाल मर्डर कांड में अभी न्याय अभी तक नहीं हुआ 18 महीने बाद, लेकिन ये गहलोत की वजह से हो रहा है। वो कह रहे हैं कि चुन चुन कर आप लोग हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण वाले इश्यूज को राजस्थान में उठा रहे हैं, क्या ये सच नहीं है? देखिए, राजस्थान में जिस तरह का तुष्टीकरण का तांडव पिछले 5 साल में हुआ, लेकिन अब की बार राजस्थान में जिस तरह से ये सब सिर चढ़ करके बोला है, करौली में दंगा होता है, सरेआम छत पर ट्रक लोड्स पत्थर रखे हुए होते हैं और उन पत्थरों से रामनवमी के अनुमति लेकर के निकाले के जा रहे जुलूस पर पथराव होता है, आगजनी होती है, दुकानें जलाई जाती है और सारा सोशल मीडिया आटा पड़ा था। लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, वाहन तोड़े जा रहे थे, लोगों के साथ बदसलूकी हो रही थी, मारपीट हो रही थी, लेकिन जब जांच प्रारंभ हुई, मुकदमे दर्ज हुए तो तुष्टीकरण हुआ। जांच में तुष्टीकरण के बाद में कार्रवाई में तुष्टीकरण हुआ, गिरफ्तारी में तुष्टीकरण हुआ, मुआवजे देने में तुष्टीकरण हुआ। उसका परिणाम होता है कि करौली के बाद भीलवाड़ा में दंगा होता है, भीलवाड़ा के बाद जोधपुर में दंगा होता है जो, और उसके बाद में वो ट्रेल जो है कन्हैयालाल तक जाकर के थमती नहीं है। तुष्टीकरण केवल इतना ही नहीं है, भगवान राम के मंदिर ढहाए जाते हैं, शिवलिंग को ड्रिल मशीन लगा करके तोड़ा जाता है, पुजारियों की हत्याएं होती है, सरकार मौन होती है, लेकिन उन सब के बाद में कोई दो दलित युवकों को यदि गैंगस्टर्स आपसी लड़ाई के संदेह में गाड़ियों से मार करके चिथड़े चिथड़े कर दें, उनके बड़ी गरीब परिजन 10 दिन तक सड़क पर बैठ करके मुआवजे के लिए बिलखते रहे, सरकार 2 लाख रुपए से 1 रुपए ज्यादा मुआवजा नहीं दे पाती, और रोडरेज की एक छोटी सी घटना में एक किसी संप्रदाय विशेष का व्यक्ति मारा जाए तो सरकार 1 घंटे में मुख्यमंत्री 50 लाख रुपए का मुआवजा देकर के ट्वीट भी करते हैं, ये तुष्टीकरण नहीं? राजस्थान के 7.5 करोड़ लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि कौन वोट बैंक के कंसोलिडेशन के लिए इस तरह की दुर्नीति और दुर्भावना के साथ में काम कर रहा है। सीएम रेस में आप हैं क्या गजेंद्र जी? लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने हैं, क्या मैं अगले मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ? ये रेस कहाँ हो रही है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की रेस नहीं होती। वसुंधरा जी को साइडलाइन कर दिया ना आप लोगों ने? देखिए, मैं आपको फिर एक बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की रेस होती ही नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा बीते दिन अपने एक रोड शो में, उन्होंने कहा, रैली में कहा कि कांग्रेस पार्टी में हर कोई एक दूसरे को रन आउट कर रहा है और जो बचा उसको कोई स्टंप कर रहा है, कब हमें ही बीजेपी को यहाँ पर राजस्थान में मिलेगी। तो लगता है कि सर आपस में यहाँ पे बीजेपी में भी तो सब रन आउट कर रहे हैं एक दूसरे को। मैं नाम गिनाती हूँ, मैं इधर हवा हवाई सवाल नहीं पूछ रही हूँ आपसे। वसुंधरा जी हैं, दिया कुमारी हैं, इसी जयपुर से आपने कर दिया, राज्यवर्धन राठौर हैं, मतलब आप चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं लेकिन आप एक बड़े चेहरे हैं राजस्थान से, आप हैं बिरला साहब का एक अपनी कोटरी है जो वो कोटा से चलाते हैं, क्या अलग अलग गुटबाजी बीजेपी को भारी पड़ सकती है? देखिए, आपने सारे राजस्थान के कुछ नेताओं के नाम लिए, कुछ के छोड़ दिए, चुनाव लड़ने वाले कुछ लोगों के नाम भी आपने सामने रखे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई गुट इस तरह का अस्तित्व में रहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इतनी फाइन लाइंस बीच में रहती हैं कि कहीं कोई गुट हो और उसी गुट के अनुरूप काम कर रहे हो और एक दूसरे के गुट को डैमेज कर रहे हो, ऐसी संभावना नहीं होती। गहलोत तो सचिन पायलट पर जरा आते हैं, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हैं कि दोनों में दरार है, दोनों में प्रॉब्लम है, लेकिन अब तो राहुल गांधी जी दोनों को साथ लेके घूम रहे हैं। देखिए, ऐसी फोटो अपॉर्चुनिटीज पिछले 5 साल में कितनी बार हुई है, जयपुर में दोनों हाथ पकड़ करके बीच में खड़े होकर के राहुल गांधी जी ने पहले फोटो खिंचवाई थी, दिल्ली में 2020 के एपिसोड के बाद में फिर इसी तरह के प्रयास हुए थे, वेणुगोपाल साहब थोड़े दिन पहले उन्होंने हाथ ऊंचे खड़े करके दिखाए थे, ऐसा 8-10 बार तो हो चुका है। अब एक ही घटना कितनी बार होती है, 8-10 बार हो जाती है, उसका अस्तित्व नहीं रहता, उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं रहती, तो मुझे लगता है 10वीं बार जनता भी विश्वास करना बंद कर देती है। पर अब दोनों
मतलब सचिन पायलट खुल के वैसा विरोध तो नहीं कर रहे ना, मान ही गए हैं वो लगभग। आप लोगों ने बड़ी कोशिश की थी कि उनको इधर लाया जाए लेकिन वो हिले नहीं। 2020 के उस वाक्य के समय में गहलोत साहब ने कितनी तरह के आभूषणों से विभूषित किया था। हाँ, सचिन और कह रहे थे आप ही सारी डील करा रहे हैं एमएलए की। और 3-4 महीने पहले भी एक दिन पूर्वी राजस्थान में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि तुमने जो पैसे ले लिए हैं विधायकों ने, वो पैसे में से कुछ खर्च हो गए तो मुझे बता दो, मैं AICC से दिला दूंगा, मैं लौटा दूंगा। लेकिन किसी एक भी विधायक ने ये कहा कि मुझे पैसा दिया गया। 19 नेता जो गए थे उनमें से किसी ने भी ये कहा कि हमको जबरदस्ती रोका गया था? उनमें से किसी ने भी ये कहा कि हमको भारतीय जनता पार्टी ने ल्योर करके बुलाया था या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने बुलाया था? वो बच्चे तो नहीं थे? अगर कहीं भी ऐसा हुआ था तो वो खड़े होकर के कह सकते थे? एक भी स्टेटमेंट किसी का आया क्या? मैं आज फिर आपके सामने जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि जो कुछ 2020 में हुआ था उस सारे प्लॉट के जो है रचयिता, उस पूरी फिल्म के राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, उसके डायरेक्टर और उसके प्रोड्यूसर तीनों माननीय अशोक गहलोत साहब खुद ही थे। ये उन्हीं की रची हुई कथा थी और उसी पे बनाई हुई फिल्म थी जो बाद में फ्लॉप हो गई। अच्छा, आपने राइटर डायरेक्टर सब कुछ बता दिया लेकिन एक कोस्टार की बात सचिन पायलट कहते हैं, वो कहते हैं कि वसुंधरा जी और गहलोत जी मिले हुए हैं, क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? देखिए, अपनी पार्टी में जो सिर्फ उठव्वल है, उनके पार्टी में जो लड़ाई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए और पार्टी के मुद्दों से, जो पार्टी की जो फेल्योर है उनकी सरकार की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के गाये बगाये स्टेटमेंट सब लोग देते रहते हैं। कास्ट सेंसस बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? राहुल गांधी यहाँ आकर भी राजस्थान में, एमपी में, हर जगह वो कास्ट सेंसस कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं लेकिन वो कहते हैं कास्ट सेंसस की जरूरत है, पता चलना चाहिए किस जाति के लोग कहाँ पहुंचे। कास्ट सेंसस कितना बड़ा चैलेंज? मेरा तो इतना ही प्रश्न है कि अपने नाना राजीव गांधी जी का और अपनी परदादी दादी इंदिरा गांधी जी का, उनके स्टेटमेंट्स को एक बार वापस इनको चेक करना चाहिए, उनको वापस खंगालना चाहिए कि उन्होंने क्यों करके इन विषयों का विरोध किया था। लेकिन अब तो वो ला रहे हैं ना, अब इसका राजनीतिक लाभ उनको मिल सकता है। तो अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो देश को पहले ऊंच नीच में बांट चुके हैं, अमीर गरीब में बांट चुके हैं, मजहब के आधार पर बांट चुके हैं, बोली भाषा के आधार पर बांट चुके हैं। अब जातियों को लड़वाने का पाप और षड्यंत्र करके इस आगे बढ़ते हुए देश को रोकने का जो है वो पाप ये कांग्रेस पार्टी के लोग अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। गजेन जी, आखिर सवाल, कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, मैं अंकों के बाजीगरी में नहीं जाता कभी, लेकिन एक बात आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैंने 2013 में भी कहा था जब ये माननीय अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, अपने आप को इन्होंने मुख्यमंत्री नंबर वन घोषित भी करवाया था। और आपको याद होगा सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो प्रिंट का हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, उस समय थोड़ा बहुत सोशल मीडिया भी कांग्रेस करने लगी थी, और सारे राजस्थान के गली कूचे तक में पोस्टर लगवाए थे अपने। इसी तरह की फ्रीबीज की योजनाएं उस समय प्रारंभ की थी उन्होंने, लेकिन तब भी मैंने कहा था इतिहास बनेगा। कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई थी और भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें मिली थी, और मैं आज आपके सामने जिम्मेदारी से कह रहा हूं अब की बार भी इतिहास बनेगा। ये जो फ्रीबीज की घोषणाएं उन्होंने की है, पहले फ्रीबीज फेल हुई, उसके बाद अब गारंटीज देकर के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस दूध का जला साहब छाछ को भी फूंक मार करके पीता है, राजस्थान का किसान अपने आप के साथ धोखा हुआ ऐसा महसूस करता है, युवा अपने साथ विश्वासघात हुआ ऐसा महसूस करते हैं, महिलाएं हमारे साथ अपमान हुआ ऐसा महसूस करती हैं, संविदा कर्मी हमारे साथ विश्वासघात हुआ ऐसा महसूस करते हैं, राजस्थान का हर वर्ग संवर्ग हमारे साथ धोखा हुआ ऐसा महसूस करता है। अब न गारंटी मानेगा और न फ्रीबीज को मानेगा, अब देखिएगा नया इतिहास राजस्थान की जनता रचने के लिए तैयार करे। सीटें तो बताई नहीं। मैं एक विषय और आपके सामने रख देता हूं। मैं लगभग 30 साल से राजस्थान की राजनीति को बहुत बारीकी से देखता हूं, जीता हूं उसके साथ में। मैंने 1993 से लेकर के अब तक के सारे चुनावों में काम किया है। 2014 और 19 दोनों के चुनावों को व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ा भी है, काम करते हुए देखा है। जब पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहा था, आशीर्वाद देने के लिए आतुर था, राजस्थान ने 25 की 25 सीटें जीती। मैंने 2013 में मोदी जी के उस तूफान के दौर में भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटों से जीतते हुए देखा है। लेकिन जिम्मेदारी से कह रहा हूं और ईमानदारी से कह रहा हूं, जिस तरह का वोकल होकर के मतदाता आपकी बार निकला वैसा मैंने कभी नहीं देखा। इसलिए आप सीटों की आकलन करना भी छोड़ दीजिए, इतना बड़ा इतिहास बनेगा कि आप चकित रह जाएंगे। 150 पार,
इसमें तो कहीं कोई संशय ही नहीं है। तो 50 छोड़ी आपने कांग्रेस के लिए? मैं तो कह रहा हूँ इसमें तो कोई संशय ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि 50 छूट गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद, और उम्मीद यही है कि जब नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को तो एक बार फिर आपसे चर्चा जरूर, और हम इन सब बातों को रेफर करते हुए एक बार फिर बात करेंगे। बिल्कुल, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।